Hello and welcome, I'm Vivan, and we are back with Cotton Council International Presents Let's Design the Season 4's Grand Finale Episode. Delhi tak tha Urvashi ka saath aur Mumbai ki aakhri padav ki zimmedari aaj mujh pe hai. So let's begin the show jo pichle 6 hafton se dress, design aur impress karta aa raha hai. Aaj ke Grand Finale mein tay hoga final 5 designers mein se kaun hoga desh ka next design prodigy. For a heart-stopping finale, the final 5 have arrived in Mumbai to reveal their show-stopping outfits. Have a look. फिनाले के लिए मुंबई बुलाया गया है. काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी फैशन से रिलेटेड काफ़ी इवेंट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे शो करना. इंडिया के अंदर से 5 मेन डिज़ाइनर्स को चुना जाना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है. फिनाले की प्रेपरेशंस की अगर बात देखी जाए तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज थी और फैब्रिक को मतलब उसी वे में यूज़ किया जिस वे में मुझे दिया गया था. हमें 30 मीटर फैब्रिक मिला था, मैंने प्रिटी मच आई थिंक सारे फैब्रिक को ही डाई किया है एंड बिसाइड्स दैट मैंने सबके ऊपर डोरी का काम किया है. मेरे को लगता है कि हर किसी ने अपना 100% डाला है, हर कोई जीतना चाहता है ये कंपटीशन, पर मेरे लिए कंपटीशन खुद से है. मुंबई जो सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, तो शायद मेरे सपने भी फुलफिल हो सके यहाँ पे लेट्स डिज़ाइन सीजन 4 के थ्रू. आज यहाँ जो जीतेगा उसे मिलेगा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द सुप्रीमा फैशन शो एट न्यूयॉर्क फैशन वीक एंड बी द टाइटल विनर ऑफ लेस डिजाइन 4. एंड इट डज नॉट स्टॉप हियर, द विनर विल आल्सो बी गिवन सीड मनी टू स्टार्ट देयर वेरी ओन फैशन लाइन. आवर टॉप 5 डिजाइनर्स आर ऑल सेट टू शोकेस देयर विनिंग एंसेंबल्स, सो आर यू रेडी टू बी ब्लोन अवे? सो लेट्स सी कि फिटिंग रूम्स में क्या हो रहा है. आज फिटिंग डे था हमारा, तो मैं काफ़ी नर्वस थी पहले कि फिटिंग पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, गारमेंट्स पूरे आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेंथ शॉर्ट तो नहीं रह जाएगी या बड़ी तो नहीं हो जाएगी. कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, लगता है कि दिस इज जस्ट बीन मेड फॉर मी. देखा जाए तो मेरा जो प्रेड गारमेंट है वो बहुत ही फ्लर्टी, फन, यंग है, तो मैं सोचता हूँ कि सोनम कपूर जैसी अभिनेत्री उसको पहनना पसंद करेगी. जो कॉटन फैब्रिक हमें दिया गया था टास्क के लिए वो काफ़ी अच्छा था, और जो डिज़ाइंस मैंने जैसी सोची थी वैसे इजीली हुआ. कूलर के अंदर कुछ धागा अटक गया तो वो ऊपर नहीं जा रहा था, सो वो बात मैनेज हो जाएगी. बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, आई एम फीलिंग लाइक क्वीन बी. गारमेंट में बहुत लेंथ है एंड इट्स गॉट अ नाइस फिट, टेक्सचरिंग बहुत मिनिमल है, सो आई थिंक कृष्णिता सेन वुड लुक ग्रेट इन इट. एक महीने जिस चीज़ के लिए काम किया, आई थिंक उसका रिजल्ट अच्छा आया है, फिटिंग्स अच्छे आए. जीतना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इट्स लाइक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन एवर गेट. प्लीज वेलकम आर रिस्पेक्टेबल जजेस जिन्होंने इस पूरे सीजन में बहुत ही एफर्ट डेडिकेशन से 5 होनहार फाइनलिस्ट चुने हैं. द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड जूरी ऑफ डिजाइनर्स रीना ढाका, शांतनु एंड निखिल. इस पड़ाव पर आकर कॉम्पिटिशन से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है निखिल? बहुत टैलेंटेड बंच ऑफ डिजाइनर्स के अंदर हम लोगों ने 5 चूज किए हैं और आज उनका आखिरी दिन है, बहुत एक्साइटेड है. मैं एक नया स्टार ऑन द होराइजन को ढूंढ रही हूँ जो हमारे इस फैशन इंडस्ट्री का नेक्स्ट किड ऑन द ब्लॉक जो बोलते हैं, हु एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ. आई थिंक ये जो 5 है सब होनार है, सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क, नो डाउट अबाउट इट, बट है यहाँ पे एक दो लोग जो कुछ कर सकते हैं. We would like to thank our online partners www.stylecandy.com. Well, let's not wait anymore. Hamare pehle designer finalist Mazhar Khan apna preview dikhane ke liye ready hai. First 2 to judges bilkul fresh baithe hue honge literally mujhe jhaadne ke liye. सही मेरा प्रेड गारमेंट है, हनी बी और उसके आसपास जितनी चीज़ें होती हैं जैसे कि हनी कॉम्ब हो गया, उनकी टेक्सचर्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है. इतनी छोटी स्कर्ट में लाइक सेंटर बैक में स्लिट देने की जरूरत थी. इस स्लिट का फंक्शनल से ज़्यादा स्टाइल का फैक्टर है इसके अंदर, कि ये पैनल जो है ये यहाँ पर बंद होकर एक नॉर्मल स्कर्ट की तरह बंद हो जाता है और फिर ये खोलकर शी कैन इवन वॉक लाइक दिस. इट्स गॉट अ लिटिल एक्सेस इन माय ओपिनियन, बट ओके, हार्ड वर्क जरूर दिख रहा है. नेक्स्ट मॉडल ये मेरा डिफ्यूजन गारमेंट है, ये सामने जो सरफेस डिज़ाइन मैंने बनाया है दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द बी फ्लावर ऑफ द जिंजर फैमिली. फ्रॉम रेडी टू वेयर टू अ डिफ्यूजन ट्रांजिशन आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज इवन द फर्स्ट टॉप कुड हैव बीन अ डिफ्यूजन पीस फॉर मी, अदरवाइज इट हैज दैट सोल व्हिच इज यू. थैंक्स. आई थिंक मज़र ये विनर है आपके स्टोरी का, सब कुछ इसका हार्मनी में है, राइट है, ऐसी जैकेट मैं भी पहनना चाहूँगी. थैंक यू.
Can we have the last model, please? I'm disappointed. Okay. I know इसमें काम बहुत है, but मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसके ऊपर ये डाल सकता हूँ. Okay. ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा है. Very sad. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Mazhar, for your presentation. But before you go, Tissot ने उनकी तरफ से एक आपको एक gift दी है for your valuable time here. So please come and collect your gift. Judges, the next contestant is Kanika Seth with her preview. मेरे गार्मेंट्स की इंस्पिरेशन द मूवी अवतार है. आई बेसिकली प्लेड विद द फैक्ट कि लाइंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाउ इट कैन होल्ड द बॉडी. इस कॉन्सेप्ट को मैं भी बहुत प्ले करती हूँ अपने काम में. इट्स अ वेरी वेरी मच अ गुड लुक, सेलेबल लुक एंड प्रताप औरते. आई थिंक यू स्टक टू योर गन व्हिच इज टेक्सचर, और जो हार्मनी होना चाहिए टेक्सचर का वो बिल्कुल सही बैठ रहा है. कैन वी हैव द सेकंड मॉडल. पहली बात तो एज अ लुक, जो आपने अवतार का लुक बोला है, वो मुझे मॉडल के फिगर से पता चल रहा है कि यू नो दिस इज द राइट मॉडल फॉर यू. सो आई थिंक ग्रेट जॉब. कैन वी हैव द लास्ट मॉडल प्लीज. इट्स नाइस, इट्स लवली. आपकी स्टोरी टेलिंग कंप्लीट है और परफेक्ट है, एंड यू कैन टेक दिस एज योर ओन पर्सनल स्टाइल फॉर एवर. थैंक यू. So they really liked the fact that I really stuck to the theme and gave it my own interpretation rather than movie ko copy karne se. Season 4 ke Let's Design winner hai. Welcome back to India's biggest fashion reality show, Cotton Council International presents Let's Design Season 4. Judges, the next contestant is Dhruv Singh. मेरा कॉन्सेप्ट नॉच गर्ल से इंस्पायर्ड है, जो मुगल एरा के कोर्ट्स में डांस करते थे. ये कलेक्शन उनके लिए ट्रिब्यूट है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन थे जो इंडिया में डांस जैसा टैलेंट लेके आए थे. आपका आउटफिट कॉन्सेप्ट से बेटर है. इट्स इनक्रेडिबल. मैं तो बहुत आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे को ये एक खरीदने दो. आप गिफ्ट ले लो. कैन वी हैव द सेकंड मॉडल. ये अनारकली का वेरिएशन है, उसको शॉर्ट कर दिया है, और इसमें थोड़ा डिफ्यूज लुक देने के लिए मैंने इसको थोड़ा बैकलेस करा है और पैंट्स के साथ पेयर अप करा है. वेरी नाइस. आई वुड वेयर योर पैंट. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. फॉर मी, बैंग ऑन. थैंक यू. कैन वी हैव द लास्ट मॉडल प्लीज. ये कटवर्क है, जो गुजरात में फेमस होता है, कटवर्क और पैचवर्क, तो नेचुरल डाइज से ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स, जो वहाँ का फेमस फैब्रिक होता है. ये बहुत ही मुश्किल है करना, कि एक जैकेट को इतना वॉल्यूम डालने के बाद उसको कंट्रोल करना. आई थिंक बैलेंस इज इनक्रेडिबल. बहुत मजा आया. ब्यूटिफुली यू हैव ट्रांसलेटेड योर कलर पैलेट. फैंटास्टिक. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच ध्रुव. आगे ये दो फाइनलिस्ट बचे हुए हैं, एंड अप नेक्स्ट इज कृतिका गुप्ता. मेरी इंस्पिरेशन एंटी ग्रेविटी थी, जिसका मैंने डायरेक्ट मीनिंग ना लेके उसका इनडायरेक्ट मीनिंग इस वे में लिया है कि जैसे स्काई स्केपर्स होते हैं, दे आर एंटी ग्रेविटी बट स्टिल दे रिमेन इन अ स्ट्रक्चर. इट्स लाइक अ मल्टीपल लुक. किसी को प्लेन जंप सूट पहनना है तो वो प्लेन जंप सूट पहन सकता है, जैकेट के साथ पहनना है तो जैकेट के साथ पहन सकता है. आपका जंप सूट इज फैंटास्टिक. आई थिंक इट्स वेरी शिक. नेक्स्ट मॉडल. इस गारमेंट में मैंने उससे कंटिन्यूएशन में लेके कलर प्ले इस पैलेट में किया है, ताकि लाइक सारे डार्क टोन्स में ना जाके एक लाइट एलिमेंट भी हो. ये बहुत अच्छा है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा. वेरिएबिलिटी हाई है इसकी. थैंक यू. लेट्स सी द नेक्स्ट पीस. ये मेरा कुत्योर है, एंड सिंस इट्स एन इवनिंग वेयर, तो मैंने इसको एक ड्रामेटिक फील दे के लाइक एक हेड गियर बना के उसको एक्सेसराइज किया है. आई थिंक आपकी फ्लूटिंग जो करी आपने, वो कुत्योर किसी एंगल से नहीं है, बट आपने जो करा है आपने बहुत अच्छा करा है, बट मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है. जजेस को बाकी फर्स्ट टू गारमेंट्स प्रेदर डिफ्यूजन पसंद आए थे, लेकिन कुत्योर उनको इतना अच्छा नहीं लगा, तो होप फॉर द बेस्ट. Now it's time for our last contestant, Aniket Satam. My inspiration was Birth of Venus, that is a Botticelli's painting, और मेरी जो पूरी collection की जो theme है वो resort wear है. इस platform पे अभी तक किसी ने एक specific season या एक specific environment के बारे में सोच के नहीं बनाया, तो ये interesting था. Can we have the next model, please?
इंटरेस्टिंग है, वेयरेबल है, मॉडर्न है और फैशनेबल है. मेरे को पसंद आया आपके अटेम्प्ट्स अभी तक. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट मॉडल. टेक्निक विच आई यूज इन द कलरेशन इज नॉट रेगुलर डाइंग, इट्स अ सॉल्ट टेक्निक जो मेरे इंस्पिरेशन से आती है. द होल ड्रेप इज इंस्पायर्ड बाय अ शेल. आई थिंक आपने अपने ड्रेप्स को बहुत बैलेंस तरीके से तीनों सेगमेंट्स को क्लैरिफाई किया है. सो फॉर मी वेरी गुड. आई थिंक कॉम्पिटिशन का लेवल तो थोड़ा बढ़ गया है. थैंक यू सो मच. जैसे कि आपने देखा, लेस डिजाइन सीजन 4 के डिजाइनर्स हाईली टैलेंटेड और स्किल्ड हैं. जूरी प्रीव्यू देखकर काफी इंप्रेस्ड है. इनमें से बेस्ट कौन है इसका जजमेंट करना काफी मुश्किल है. नाउ इट्स टाइम फॉर आवर जूरी टू डिलिबरेट एंड डिसाइड हु द विनर विल बी. मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है बिकॉज पता नहीं क्या रिजल्ट होगा. एक डर सा तो निकल गया है क्योंकि उन लोगों ने कमेंट्स ऑलरेडी हम लोगों को दे दिए हैं, पर फाइनल जजमेंट तो वही होगा जो उनके नजरों में सबसे बेस्ट होगा. इतने दिनों की कड़ी मेहनत और स्ट्रेस को ओवरकम करते हुए आज हमारे साथ है ग्रैंड फिनाले के 5 फाइनलिस्ट हु आर अ कट अबव द रेस्ट, बट हुज कट विल मेक अ डिफरेंस एंड बी द बेस्ट. ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा इन अ मीडिया फील्ड ब्लिट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रेस्ड बाय कैरिस्मेटिक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. विल देन टेक अ शॉर्ट स्टाइलिश ब्रेक. Malaika, this is the envelope. Do the honors, please. I hope the one I think coincides with who's in the envelope. Welcome back to Cotton Council International presents Less Design Season 4. Less Design Season 4 would not have been complete without the contribution of our respected jury, Reena Dhaka, Shantanu and Nikhil Mehra. Thank you, people of the press, for supporting this initiative by the Cotton Council International year on year. Also showing their support to Let's Design Season 4 is our first celebrity guest. It's my privilege to introduce you to the style goddess. Please welcome gorgeous, stunning, sexy Malaika Arora Khan. Malaika, welcome to the show. Thank you for coming. Aapke liye ye show ka kya matlab hai? You have the CCI, which is the Cotton Council International, backing this initiative. I think it's fantastic. Hamare zindagi mein agar cotton na ho to hum incomplete ho jayenge. I think it's an absolutely fantastic initiative. Ladies and gentlemen, round of applause for Malaika Arora Khan. Our next celebrity guest is the super sexy actor Samira Reddy. Samira, you're looking gorgeous tonight. I'm actually wearing a cotton georgette dress. Most people think ki cotton is mainly just, you know, very simple and it's not glamorous. But I think that we can also make cotton fabrics as glam as ever. And the most important thing is that it's natural. And I like anything that's natural and biodegradable, which I think today is most important to know. That's Samira Reddy for you guys. Our next celebrity guest is the young and restless jinhe talent hai ek great legacy se mila hai. Please welcome Pratik. Aapke liye fashion ka kya matlab hai? Jo pehante ho comfortable feel karna chahiye. Cotton is the way to go, definitely. Thank you, Pratik. Thank you for your time here. Bringing on the first collection of the evening is a student from National Institute of Fashion Technology, Kolkata, Mazhar Khan. कैप्सूल कलेक्शन के लिए उनकी इंस्पिरेशन है द बिजी हनीबी. Next up is designer Kanika Sheth from Delhi, taking inspiration from the film Avatar.
Next up is designer Dhruv Singh from Ahmedabad. Staying true to his roots, he finds inspiration from India and its people, showcasing a collection that reflects the Mughal era and its notch girls. Is designer Kritika Gupta from Delhi. Inspired by anti-gravity and architecture, her capsule collection fearlessly celebrates the modern woman. Inspired by Botticelli's famous painting Birth of Venus. Giving this inspiration a draping twist is designer Aniket Satham from Mumbai. मुझे लगता है जो शिक्षा हमने दी थी कि ग्रैंड फिनाले को एक रनवे की तरफ से नज़र से देखा जाए जहाँ पे तीन गारमेंट्स ही पूरी स्टोरी को वीव करे, वो मुझे काफी हद तक सब डिजाइनर्स में नजर आए। नाउ इट्स एनवेलप टाइम। ऑन स्टेज मैं बुलाना चाहता हूँ वेरी स्पेशल गेस्ट मलाइका अरोड़ा खान, समीरा रेड्डी, प्रतीक एंड मिस्टर सचित भाटिया, कॉटन काउंसिल इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया। आपको ये शो कैसा पसंद आया मलाइका? Each one of them was one better than the other. The other ones to look out for. Y'all are going to have a tough time because they are competition to y'all. It's great to see my generation excelling and making an effort to showcase their talent. It's amazing. We need good designers and we're here to welcome them for sure. Now it's time that we have completed season 4, but it's nothing is complete without a winner. And Malaika, this is the envelope. Do the honors, please. जब मैं बैठी थी वहाँ पे मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कौन होगा विनर। अभी काफी डर लग रहा है, शो हो चुका है और पता नहीं अभी रिजल्ट्स क्या आएंगे। शायद से मेरा नाम आ जाए क्योंकि कनिका, ध्रुव और मेरा तीनों को पॉजिटिव रिव्यूज बहुत ज्यादा मिल रहे थे। आई होप द वन आई थिंक कोइंसाइड्स विद हु इज इन द एनवेलप। सीजन 4 के लेट्स डिजाइन विनर है आई वाज राइट, ध्रुव सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर विनर ध्रुव सिंह। ध्रुव, कांग्रेचुलेशंस। I'm not disappointed. He's a very well deserving candidate. कैसा लग रहा है आज? मैं काफी खुश हूँ। Thank you judges, the members of the CCI and Zoom channel. Dhruv Singh, I think वो बहुत ही clever designer है और इस देश को clever designers की सख्त जरूरत है। और मैं काफी excited हूँ वापस college जाने के लिए और काफी खुश हूँ लोगों को बताने के लिए क्योंकि मैं winner बन चुका हूँ इस show का। Kudos to Cotton Council International. I think it's an awesome platform for young and supremely talented and creative designers to showcase their talent. Keep up the good work and we hope to see many, many more such seasons. Thank you, everybody. We would like to thank our partners, sponsors and associations. Fabric partner, Suprema World's Finest Cottons. The Denim Round Fabric partner, Arvind Mills.
the 9-to-9 round fabric partner Alok Industries Limited and Vardhaman Group. The drape task fabric partner Orient Knits. Official timekeeper Tissot Swiss watches since 1853. Online partners www.stylecandy.com. Hope aapki life mein thoda style hum add karne mein successful rahe. Thank you.